जेब में पैसा नहीं, हाथों में रोजगार नहीं, फिर भी गर्लफ्रेंड को लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करना चाहते हैं ये महाशय। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अजीबोगरीब इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी जान तक को जोखिम में डाल दिया था। इस दुनिया में ऐसा कौन नहीं है जो सुपर कार्स को खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि इन सुपर कार्स के जरिए उसका एक समाज में अलग स्टेटस बनता है, अलग पहचान बनती है। और रही बात लैम्बोर्गिनी की, तो क्या ही कहने, ये बात अलग है कि ये सुपर कार्स ऐसे ही नहीं आ जाती। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास, हार का सामना, लोगों के ताने सब कुछ सुनने पड़ते हैं, भीड़ चाल से हटकर काम करना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई सारे ऐसे अजीबोगरीब लोग हैं जो इन सुपर कार्स को पाने के चक्कर में दोस्तों अजीबोगरीब काम करते रहते हैं। और कुछ लोग तो इन अजीबोगरीब वाली श्रेणियों से भी एक कदम आगे निकल जाते हैं, वो अपनी जान को ही जोखिम में डाल देते हैं ऐसे शौक के पीछे। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जो अपनी गर्लफ्रेंड को लैम्बोर्गिनी कार गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी जेब में ना तो कोई पैसा था और ना ही उसके हाथों में रोजगार। तो भला इस सिचुएशन में वो करे तो करे क्या, शेख चिल्ली वाले सपने तो उसने देख लिए। लेकिन उस इंसान का गॉड में अनब्रेकेबल फेथ था, यानी दोस्तों अटूट विश्वास था भगवान में। और दोस्तों उसने सोचा कि भगवान के लिए वो 40 दिन का व्रत करेगा, 40 दिन बिना कुछ खाए रहेगा, ताकि भगवान इससे प्रसन्न होकर उसे लैम्बोर्गिनी कार गिफ्ट कर दें, ताकि वो फिर आगे उसको गिफ्ट कर सके। हालांकि ये बात अलग है कि इस चक्कर में दोस्तों वो मरते मरते बचा है। दोस्तों उस इंसान का नाम है मार्क मुरादिरा, जो कि एक जिम्बाब्वे के रहने वाला व्यक्ति है। दोस्तों मार्क राइजेन सेंट चर्च का एक युवा नेता था। तब उसने ये प्रण लिया 40 दिन का, तो उसने सोचा कि आसपास तो मुझे अपनी आंखों के सामने खाना दिखेगा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। इसके चलते वो दोस्तों पहाड़ों में चल गया ताकि वहां पे खाना ही ना मिले और वो अपने 40 दिन का उपवास बिल्कुल आसानी से कर सके। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान ऐसे उठपटांग काम करने वालों को नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करने वालों को और अपना दिल साफ रखने वाले इंसानों को ही सफलता देता है। तो दोस्तों जाहिर था कि ये आइडिया काम करने वाला नहीं है। और दोस्तों मार्क को अब 33 दिन हो गए थे जंगलों में बिना कुछ खाए पिए। दोस्तों जाहिर था कि ये तरीका काम नहीं करने वाला था, लेकिन दोस्तों मार्क को अब बिना कुछ खाए 33 दिन हो चुके थे जंगलों में। अब मार्क को काफी दिन हो चुके थे जंगल में, जिसके बाद दोस्तों उसके दोस्त चिंतित होने लगे और वो दोस्त उसको ढूंढने के लिए पहाड़ों में गए। और दोस्तों उन्होंने मार्क को ढूंढ निकाला और देखा कि मार्क की हालत बिल्कुल खराब हो रखी है और तुरंत उसको वो हॉस्पिटल ले गए। इस हादसे के बाद चर्च के लीडर ने कहा चूंकि मार्क बेरोजगार था तो उसको कम से कम उसकी नौकरी के लिए उपवास रखना चाहिए था। लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ी बात हो गई और इस अंधविश्वास से उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय इसकी तबीयत खराब होने के। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मार्क का पागलपन कम नहीं हुआ। उसने उसके साथ जाने वाले दोस्तों ने लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए दोस्तों फंड रेज करना चालू कर दिया, यानी दोस्तों घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लैम्बोर्गिनी की शुरुआती कीमत ही 3 करोड़ से शुरू होती है। और दोस्तों वो कहते हैं ना कर्म का फल मिलता ही मिलता है, तो दोस्तों ऐसा ही मार्क के साथ भी हुआ। जब उसके और उसके दोस्त चंदा मांगने गए तो दोस्तों उन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा चंदा इकट्ठा कर लिया मेरी सोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से वो चंदा मांगने गए थे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी खरीद कर गिफ्ट करने के चक्कर में कौन चंदा देगा। पर लेकिन उन्होंने दोस्तों काफ़ी बड़ी सफलता हासिल करी। उन्होंने दोस्तों पूरे 3000 रुपये का चंदा इकट्ठा किया था, जिसको भी मार्क के इलाज में लगा दिया गया। हालांकि दोस्तों अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मार्क कुल कितने दिन तक भूखा रहा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग, आम इंसान 3 हफ्ते तक बिना खाने पीने के रह सकता है। दोस्तों देश दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब किस्से कहानियां हर जगह सामने आती है, जहां लोग फ्री की चीजों के लिए उठपटांग काम करते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप जानना चाहते हैं शिनचैन, जो कि एक असली कहानी पर बेस्ड कार्टून है, उसके बारे में और शिनचैन की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में, तो ये वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।